हजारों हैं मंजिलें, लाखों हैं रास्ते, रुकना नहीं तू ये है तेरे ही वास्ते। आए आंधियां या तूफान सर पे आए, चलने में तेरे बस कदम ना डगमगाए। दुनिया में बड़ी है सबसे तालीम की ये दौलत, जीतेगा हर एक जंग तू इस ही की बदौलत। कोई ऐसी एक तू मिसाल कायम कर कि जिंदगी बन जाए तेरी एक दस्तावेज, दस्तावेज। तेरा अबू बाहर क्यों है, अंदर क्यों नहीं आया? ओहो अम्मी, तुम तो यूं ही फिक्र कर रही हो। अरे कल शाम से तेरा चचा भी घर नहीं लौटा, मेरा तो दिल घबरा रहा है। तो चचा भी कौन सा दूध पीता बच्चा है, नहीं लौटा है वो भी लौट आएगा। अरे तो बात क्यों नहीं समझती? पता है कल शाम तेरा चचा जब अपने साथियों के साथ घर से गया था ना, तो सबके सब बड़े गुस्से में थे, कहीं कोई मुसीबत ही ना खड़ी हो जाए। फरीदा बहन, फरीदा बहन, क्या हुआ? मेरा मर्द और तुम्हारा देवर, क्या हुआ उन्हें? गजब हो गया फरीदा, क्या हुआ? उन्हें दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई फरीदा बहन। कुछ मालूम है, नजीर घर नहीं लौटा। घर नहीं लौटा? कल शाम से वो घर वापस नहीं आया है। फरीदा तुम तो अव्वल दर्जे की बेवकूफ हो। अरे वो अहमद गए अपने दोस्तों के साथ, पड़े होंगे किसी खाई खड्डे में खा पी कर। तुम उसकी फिक्र ना करो। तुम भी फिक्र ना करो और मैं भी फिक्र ना करूं, तो कौन करेगा उसकी फिक्र? फरीदा, फरीदा नजीर ठीक तो है ना? ओ, अचानक बड़ी फिक्र हो गई अपने भाई की। तुम्हें क्या, कोई जिए या मरे? पके ही जाओगी या कुछ बताओगी भी? बताती हूँ, चलो मेरे साथ। पर फरीदा, चलो। अल्लाह खैर करे। भाई अभी आते ही हुए। हाँ
नसीर, नसीर मेरे भाई। क्या हुआ महमूद भाई? वो तेरे साथे को कैद करके क्यों रखा है? तू बहुत तो क्यों नहीं? तुझे ये सब चोटें कैसे आई? वो कल शाम को हम कल शाम को क्या हुआ कल शाम को? चलो चलो, अब देख लिया ना, तुम्हारा भाई जिंदा है और उसके साथी भी। इससे बात करने की इजाजत नहीं दी है सामने। इजाजत नहीं दी? मगर क्यों नहीं दी इजाजत? थानेदार साहब का हुक्म है कि बस एक बार देख लो अपने भाई बंधुओं को, बस इतना ही काफी है। इन लोगों को चोटें कैसे आई पहले ये बताओ। मैडम बकन बकन करने की जरूरत नहीं है, अब चलो। अब चलो, अब कहाँ चलें? हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देते? वो थानेदार साहब। क्या थानेदार? थाने लगा रखी है, कहाँ है वो थानेदार? ले चल हमें उसके पास। ले चलूंगा, जरूर ले चलूंगा तुम सबको, लेकिन एक बात सुन ले, ये अगर वहाँ जाकर डंडे बरसे ना तो फिर इसमें मेरा दोष मत कहियो। हाँ तो क्या इन लोगों पर डंडे बरसे हैं? नहीं नहीं, मैं क्या जानू। चलो सब लोग चलो, चलो ना सब लोग चलो थानेदार साहब के पास। ठीक है, चलो आ जाओ। अब साहब जी निपटेंगे तुमसे, आ जाओ साहब जी। ओए 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 चश्मे बद्दू, क्या मोटी मोटी आंखें हैं तेरी। अभी तो इन आंखों में खून नहीं उतरा है थानेदार, और वो तब उतरेगा जब मुझे हालात सही मालूम होंगे। ठीक ठीक बता, क्यों बंद किया हमारे साथियों को? इन्हें चोटें कैसे आई? अरे बता ना, दंगा कर रहे थे। दंगा? कैसा दंगा? थानेदार साहब वे तो सब आपस में दोस्त हैं। अरे बेवकूफ औरत, शराबी कबाबी दोस्ती कैसी? पी पिलाकर गोलस पड़ते। अगर ऐसी बात है थानेदार तो दिखा रिपोर्ट जिसके तहत तूने इन्हें बंद कर रखा है। रिपोर्ट देखेगा तू? कैसी रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? प्रथम सूचना रिपोर्ट। साहब आप इस बेवकूफ आदमी से ये पूछो कि इस शब्द का अर्थ भी मालूम है इसे? इस शब्द का मतलब भी मालूम है और मैं इसे पढ़ भी सकता हूँ, और ये भी जानता हूँ इसके दर्ज किए बिना आप लोग इस तरह किसी को हवालात में बंद नहीं रख सकते। बड़ा ज्ञानी है भाई आदमी। हाँ हूँ, आलम फाजिल हूँ और दसवीं का इम्तहान भी देने वाला हूँ, कोई मखौल नहीं है। ये बनगुजर दो अक्षर पढ़ने का लगे हमें ही। हाँ हूँ बनगुजर, और फक्र है मुझे इस बात का, पढ़ा सिर्फ दो ही अक्षर हूँ, लेकिन अपने हक और अधिकार अच्छी तरह जानता हूँ। तो बता भाई क्या अधिकार है इसका हर अंदर से भी, और ये ज्यादा बकबक करे तो दो चार डंडे इस पर भी बरसा दियो। ऐसे कैसे डंडे मारेंगे, कम पढ़े लिखे सही, मगर हमें अपना अधिकार मालूम है। अब अधिकार मालूम है। चलिए भाई चलो, चलिए महमूद भाई। अच्छा तो बच्चों कहाँ से? कबूतर। शाबाश, कहाँ से? कबूतर। खा से? शाबाश, खा से खरगोश। ठीक, गा से? गठरी। बिल्कुल ठीक, गा से गठरी। अच्छा बच्चों गा से गठरी और भला? गुजर, हम वन गुजर। बिल्कुल ठीक, हम वन गुजर। हम वन गुजर इस इलाके में कब से रह रहे हैं तुम बच्चे जानते हो क्या? मैं बताऊं मास्टर जी। हाँ हाँ बताओ। मेरे दादा के टाइम से पहले यहाँ रह रहे हैं। हम रहे थोड़े रहे तो? मास्टर जी मेरा मतलब है कभी हम पहाड़ में रहते कभी यहाँ रहते। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, जब गर्मियाँ आती हैं तो हम अपने मवेशियों को चराने ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं। अच्छा भला ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ हमारी भैंसों के लिए घास चारा तैयार हो जाता है। बिल्कुल ठीक, इसीलिए ये जमीन भी हमारी है। चाहे चाहे क्या मास्टर जी? अब क्या बताएं, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं हम अपने अधिकारों के लिए। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, घास है? अरे फरीदा खाला आप? हाँ सब ठीक तो है? हाँ हाँ। अच्छा लतीफ बेटे, शाम को लंबरदार ने गांव वालों को बुलाया है और तुम्हारी खास जरूरत है। ठीक है, सब खैरियत तो है ना? अच्छा चलिए मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा बच्चों, तुम्हें जो पढ़ाया वो समझ में आया? ठीक है, तो कल मैं तुम्हारी कॉपियां चेक करूंगा, सब लोग पूरी तरह से एक्सरसाइज करके आएंगे। ठीक है? ये सरासर बेइंसाफी है, नजीर और उसके साथियों को झूठा इल्जाम लगाकर हवालात में बंद किया गया है।
फिरोज ने जब थानेदार से बहस की तो उसको भी अंदर कर दिया। तो नजीर और उनके साथियों का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं अशफाक भाई। तो उनको बंद क्यों किया गया फिर? कल शाम नजीर और उनके साथियों को जंगल में पुलिस ने पकड़ लिया। मैं उसी जंगल की बात कर रहा हूँ जहाँ हम लोग अपने मवेशी चराने के लिए जाते हैं। कल वो अपनी भैंसे लेकर उसी जंगल में घुसे थे, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ। अरे ये क्या बात हुई, हम तो अपने मवेशियों को कई पीढ़ियों से इसी जंगल में चराते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जंगल के अफसरान और इसके कारिंदे बताते हैं कि यहाँ पर राजा जी नेशनल पार्क नाम का पार्क बनाया जा रहा है जिससे यहाँ के जानवर महफूज रह सके। हाँ हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि जंगली जानवर हिफाजत से रहें। सिर्फ चाहते हैं? हाथी, शेर, चीते, मोर और तरह तरह के परिंदों की हिफाजत हम खुद करते हैं। अगर हम जंगलों में मवेशियां ना चराएं तो ये शिकारी एक एक परिंदे एक एक जानवर को मार डालेंगे। अरे ये बेचारे तो खुद हमारे ही हिफाजत से बचे हुए हैं। लेकिन सरकारी अफसरों का तो कहना है कि जब तक हम जंगल का चप्पा चप्पा खाली नहीं कर देंगे वो जानवरों को महफूज नहीं रख सकेंगे। उनके कहने से क्या होता है, हम तो वनवासी हैं, जंगली जानवरों की हिफाजत का जुम्मा भी हमारा है। जंगल में मवेशी चराने का हक हमारा है, हमारा हक कोई नहीं छीन सकता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब नजीर और उसके साथी अपने हक के लिए लड़ने गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने ये नजारा अपनी आँखों से देखा था, जंगल के अफसरान के साथ झगड़ा हुआ, नजीर उसके साथियों ने बगैर दंगे किए मुजाहिरा किया, पुलिस आई लाठियां चलाई और उन्हें गिरफ्तार करके ले। अच्छा तो अशफाक भाई हमें इजाजत दो ताकि हम अपने हक के लिए लड़ सकें। लतीफ भाई आप तो पढ़े लिखे हो, आप जैसे पढ़े लिखे हो इकट्ठे कर लो और ये तो जिद्दोजहद करनी ही पड़ेगी। फिर ये तारा भाइयों कि कम से कम हम पढ़े लिखे गुजर लोग आपस में टोलियों में बंटकर काम करेंगे। ठीक है, मैं अपने कुछ साथियों को लेकर दूर दूर के इलाकों में बसे गुजर भाइयों को इकट्ठा करूंगा और जंगल में मवेशियों समेत घुसने और अपने हक पे लड़ने के लिए तैयार करूंगा। मगर नजीर अपने गुस्से को काबू में रखना। महमूद भाई कोशिश यही करूंगा। अमन और शांति बनाए रखना मुश्किल काम सही, लेकिन हमें अपने आप को जब्त करना होगा। क्यों फिरोज, तुम क्या कहते हो, तुम क्या क्या काम करोगे? लतीफ भाई मेरा काम रहेगा अफसरों से मिलना, हमारी मांगे उनके सामने पेश करना और इसके लिए कानूनी तौर पर पूरी तैयारी करना। बिल्कुल ठीक। लतीफ भाई मैं भी मदद करूंगी फिरोज की, मेरे पास गुर्जरों का इतिहास मेरा मतलब है तारीख की किताब भी है और वैसे भी मुझे इतिहास का बड़ा शौक है। मैं कुछ ऐसी बातें खोज कर निकालूंगी कि सरकारी अफसरों को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। महमूद भाई आपको तो कोई एतराज नहीं अगर आपकी बेटी हमारे साथ काम करे? नहीं, भला मुझे क्यों एतराज होगा, अब भले ही मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लेकिन मुझे फख्र है कि मेरी बेटी इस काबिल है। अरे आप कम पढ़े लिखे से महमूद भाई
लेकिन आपके तजुर्बे का हम भरपूर फायदा उठाएंगे। आपको मेरे ग्रुप में शामिल होना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, ये गैर सरकारी संस्था वाले हमसे मिलना चाहते हैं, देखें वो लोग क्या कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मिलने में कोई हर्ज नहीं। हमारी संस्था को जब पता चला कि यहाँ के लोग यानी आप लोग बड़े जोश खरोश के साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो सच माने हमें बहुत ही खुशी हुई, और इसीलिए हम देहरादून से यहाँ चले आए ताकि जहाँ तक हो सके हम आप लोगों की पूरी तरह से मदद कर सकें। क्यों? जी हाँ, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र, हमारी ये संस्था इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि ना कि यहाँ के गुर्जर भाई बल्कि दूसरे इलाके के गुर्जर भाई भी इस राजाजी नेशनल पार्क की वजह से, इसकी योजना की वजह से काफी परेशान है। सिर्फ परेशान है? अजय साहब, हमारी भैंसों को वहाँ पर चरने के लिए जाने नहीं दिया जाता, बेचारी भूखी मर रही है। इसीलिए तो हम आपकी मदद के लिए आए हैं। लतीफ साहब भाई, हमें पता चला कि आपने अपने पढ़े लिखे साथियों के कुछ ग्रुप बनाए जी, और वो अलग अलग काम करेंगे। जी बिल्कुल भाई, हमारा विश्वास कीजिए, आपको जिस जिस वक्त जरूरत पड़ेगी हम हाजिर हो जाएंगे। बस यहाँ बैठकर बेकार की ऊंची ऊंची बातें ही कीजिए आप लोग, और वहाँ वहाँ हम लोगों पर अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है, इस बात की किसी को खबर है? अब क्या हुआ फरीदा? नजीर, नजीर, ये सब शाही बोला, तूने जरूर कुछ दंगा किया होगा। हाँ दंगा ही किया, अगर इसे दंगा कहते हो तो। अपने गुस्से पे काबू ना किया होता ना तो पता नहीं क्या कर बैठता। नसीर, देख, देख, जो कुछ भी हुआ तो साफ 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 बता दे अपने भाई को। सुन सकते हो तो सुनो, हो सकता है सुनकर तुम्हारा खून भी खोल जाए। हमारा सिर्फ इतना ही कसूर था कि हम लोग अपने मवेशियों को लेकर जंगल में जा रहे थे। कहाँ बड़े चले आ रहे हो, वापिस जाओ। हम वापिस लौटने के लिए नहीं आए। पिछली बार की लाठियों की मार भूल गया तू, जो अब सब गांव वालों को इकट्ठा करके ले आया? हाँ ये दूसरे गुजर हैं, लेकिन इनके ठिकाने यहीं थे, यहीं समझे, जो इन लोगों ने तोड़ दिए और जला दिए। तुम गुजर लोग, तुम्हारे बाप की जमीन है? हाँ हमारे बाप ही की जमीन है, हमारे बाप दादाओं की नस्लों की नस्लें यहाँ मवेशी चराती आई है और हर सर्दी के मौसम में यही डेरा डालती रही है। और चोरी चकारियां भी करते रहे। चोरी चकारियां? लाखों की लकड़ी काट काट कर बेचते रहे हो, चोर चकों की औलाद। मैं चोर कहते हो? तुम और तुम्हारे साथी रिश्वत खा खा कर उठवाते फिरते हैं लाखों करोड़ों की लकड़ी, शिकारियों को बेजुबान जानवरों का शिकार करने की इजाजत देते रहे हैं रिश्वत खा खा कर। बको मत। बकू मत, ये भी ना बकू, जब हम लोग तुम्हारे बड़े अफसरों के पास शिकायत लेकर गए तो उन लोगों ने हमारी बात सुनकर अनसुनी कर दी। इस थानेदार को भी हमने चोरी की खबर दी, लेकिन ऐसी मिली भगत इनकी कि हमारी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। गुजर की औलाद, मुझ पर इल्जाम लगा था, जुबान खींच लूंगा मैं तेरी। इल्जाम भी नहीं लगाया थानेदार, अगर जरूरत पड़ी तो सबके सामने साबित करके दिखा दूंगा। हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत, देखते क्या हड्डी पसली एक कर दो इसके साथियों को। ऐसी रिपोर्ट हमारी संस्था को पहले भी पहुंच चुकी है, अब जब ये लड़ाई शुरू ही हो चुकी है तो इसे जारी रखिए, हम सब आपके साथ हैं। जानते हैं क्या क्या छाप दिया अखबार वालों ने हमारे खिलाफ, काफी बदनामी किया आप लोगों ने हमारे डिपार्टमेंट की। नहीं साहब, जो बातें सच्ची थी वही हमने अखबार वालों को बताई हैं। खैर जो भी हो, ऐसा मैं बहुत बड़ा अफसर तो नहीं हूं, फिर भी मुझे भेजा गया ताकि मैं वन गुर्जरों की समस्याएं समझ सकूं और उनकी मांगे भी। हाँ मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आप पर कुछ ज्यादतियां हुई और कुछ को चोटें भी आई। चोटें? हमारी चोटों की परवाह मत कीजिए, जो जख्म आप लोगों ने हमारे दिलों पर लगाए हैं उनके बारे में सोचिए। कैसे जख्म? कैसे जख्म, ये भी कोई पूछने की बात है? जिस जमीन पर हमारे बाप दादा रहे मरे उसी जमीन से हमें बाहर निकाला जा रहा है। भाई इन जंगलात को अब नेशनल पार्क में तब्दील किया जा रहा है, पेड़ों और जानवरों की सुरक्षा हो, इसीलिए आप लोगों को यहाँ से बाहर जाने को कहा जा रहा है। अरे वाह साहब, क्या बात कर रहे हैं,
हम गुर्जरों से ज्यादा इन जंगली जानवरों की हिफाजत और कौन कर सकता है। ये पेड़, ये जानवर, ये सब हमारे दोस्त हैं। आपके महकमे के लोग तो यहाँ आने से ही घबराते हैं, डरते हैं। हम लोग किसी हाथी, शेर, चीते को भी जख्मी देख लेते हैं ना, तो उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं। भला आप क्या हिफाजत करेंगे इन जंगली जानवरों की? अंग्रेजी सरकार ने ये माना कि हम लोग यहाँ रहने के हकदार हैं। उन्होंने हमें यहाँ रहने का हक दिया, और जब हमारी सरकार आई, हमारी अपनी सरकार, हमारे मुल्क की सरकार, तो अपनी मेहरबानी दिखाकर हमें बर्दाश्त करते रहे। और उसके बाद वो वक्त आया कि हमें अपनी ही जमीन पर घुसपैठिया समझने लगे आप लोग। कश्मीर, जम्मू, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, ना जाने कहां कहां तक हम गुर्जर बसे हुए हैं। इन्हीं जंगलों में साहब जी, इन्हीं जंगलों में हमारे मवेशी चारा चरते हैं, तब जाके हमें दो वक्त की रोटी ही नसीब होती है। अब हमें यहाँ से निकालकर आप हमें भूखा मारना चाहते हैं? देखो बेटी, ये जंगली जानवर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं, इनकी सुरक्षा जरूरी है। जानवरों की सुरक्षा जरूरी है, इंसानों की नहीं। देखो तुम बहुत जज्बाती हो रही हो। जज्बात किसे कहते हैं साहब जी, मैं नहीं जानती, लेकिन आप जो बोल रहे हैं तो माफ करना साहब जी, आप झूठ का सहारा ले रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा ये कहने का? इन्हें दिखाओ कागज लतीफ भाई। हाँ साहब, ये देखिए, ये हमारे पास दस्तावेज भी मौजूद हैं। 1988 में यहाँ सिर्फ 338 हाथी थे, और 5 सालों के अंदर अंदर उनकी तादाद बढ़कर 552 हो गई। और ये ऐसा वक्त था जब हम गुजर लोग यहाँ रहते थे। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम गुजरों के यहाँ रहने से इन जंगली जानवरों को खतरा है? देखो भाइयों, जानवर शोर शराबे से घबराते हैं, इंसानों से घबराते हैं, इसलिए। हाँ, शोर तो सिर्फ हम ही लोग करते हैं ना। ये इलाका जिसे आप नेशनल पार्क कहते हैं, रेलगाड़ियां भी तो चलती हैं यहाँ, मिलिट्री भी रहती है यहाँ। रायवाला में जिनकी छावनी है, कई बार रेलगाड़ियों से टकराकर हाथी मर चुके हैं, फिर भी कसूरवार हमें ही ठहराया जाता है। बात करते हैं जंगली जानवर की हिफाजत की। देखिए साहब जी, हम लोग कृष्ण भगवान के जमाने से हैं, उस जमाने से लेकर आज तक हम यहीं बसे हुए हैं, और अब हम पर साहब जी इतना जुल्म कि हमें यहाँ से निकलने को कहा जा रहा है। महाराजा टिहरी गढ़वाल ने यात्रियों को दूध उपलब्ध कराने के गर्ज से हमें यहाँ पर बसाया, और अब साहब जी। देखो बेटी, तुम काफी पढ़ी लिखी लगती हो। काफी पढ़ी लिखी कहाँ साहब जी, 5 जमातों के बराबर भी नहीं पढ़ी मैं, लेकिन हाँ, लतीफ भाई जरूर पढ़े लिखे हैं। वैसे अधिकारी साहब, चाहे ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी इनकी तौर शिक्षा और इनके बच्चों को पढ़ाने का काम बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है। और आपको हैरानी होगी कि 30,000 गुजर परिवारों में से 14,000 लोग साक्षर हो चुके हैं, यानी कि 2 घरों में से एक व्यक्ति। हमारी संस्था ये चाहती है कि इन लोगों को पढ़ाई कुछ इस तरह से करवाई जाए जिससे कि अपने बारे में और अपने काम धंधे के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल कर सके। I'm glad about that. तो आप मलिक साहब, इन्हें ये भी तो बताइए कि जहाँ एक और इन्हें राजा जी पार्क एरिया से बाहर जाने को कहा जा रहा है, वहीं इनके रहने का इंतजाम भी तो किया जा रहा है। शायद आपका इशारा पथरी सेटलमेंट के बारे में है। आप खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते कि इस बारे में इन सबकी क्या राय है? देखो साथियों, आप इतना नाराज मत होइए हमसे। शायद आप लोग ठीक से नहीं जानते कि रुड़की में आप लोगों के रहने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। अरे रहने दीजिए साहब, हम आपका इशारा समझ रहे हैं। आपका इशारा उस पथरीली वाले इलाके में है जहाँ आप हमें बसाना चाहते हैं। हाँ वही, सिर्फ 512 खानदान रह सकते हैं, और वो भी इस तरह कि अगर हमारी पूरी तादाद गिनी जाए तो हर कमरे में 10 लोग, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। पानी का कोई इंतजाम नहीं, जमीन ऐसी कि उसे दलदल कहना ज्यादा बेहतर होगा। आप लोग चाहते हैं कि हम लोग वहां जाकर रहें जहां ना तो हमारे पशुओं के लिए चारा है और ना ही हमारे लिए रोटी। आप लोग चाहते हैं कि हमारे पशु भी भूखे मरें और हम भी। राय बहादुर, अगर आपका यही इरादा है कि जंगलात में जंगली जानवरों और पेड़ों को बचाया जा सके, जो कि चोर चक्के काट कर ले जाते हैं, तो हम उनकी हिफाजत करेंगे। साहब, आप हम पर भरोसा कीजिए, हम उनको बचाने का पुख्ता इंतजाम कर देंगे। अधिकारी साहब, इस इलाके के गुजरों ने और दूसरे इलाके के गुजरों ने यह भी मांग रखी है कि उनका पूरी तरह से सहयोग लिया जाए, उन्हें यहाँ रहने भी दिया जाए और नेशनल पार्क की मैनेजमेंट में पूरी तरह से उनकी मदद ली जाए। क्योंकि जितनी जानकारी इन लोगों को यहाँ के एक एक पेड़ के बारे में, एक एक जंगली जानवर के बारे में है, शायद ही आपके डिपार्टमेंट में किसी को हो। प्लीज मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ।
देखो साथियों, जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि मैं एक बहुत ही छोटा अफसर हूं, फिर भी मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने से बड़े अफसरों मंत्री महोदय के सामने इस बात की पुरजोर सिफारिश करूंगा कि आपने जो जो कहा है उस पर गौर किया जाए। बड़ी मेहरबानी है साहब, आपका यह यकीन दिलाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। देहरादून में स्थित एनजीओ रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र के सहयोग से वन गुजरों का यह संघर्ष वाकई एक दिन रंग ले आया और उनकी जीत हुई। कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जॉर्ज जोसेफ ने 31 अक्टूबर 1998 को निर्देश दिया जिसके मुताबिक वन गुजरों को इन्हीं जंगलात में रहने का अधिकार बहाल कर दिया गया।